नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चमार जाति के इतिहास के बारे में। मैं इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ भिन्न प्रकार की इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दे रहा हूँ। इस वीडियो में दिखाई जा रही जानकारी की प्रामाणिकता या वास्तविकता का मैं किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं करता। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जा रही जानकारी यदि किसी को त्रुटिपूर्ण लगती है या इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई भी शब्द बोला जाता है, किसी को आहत करता है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बढ़ते हैं, देखते हैं चमार जाति की गौरवमय इतिहास के बारे में। आज हम बात करेंगे चमार जाति का गौरव या वैभवशाली इतिहास। तो मेरे विद्वान साथियों, यदि हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो इतिहास के पन्नों में 1489 से 1857 तक इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो इस प्रकार की कोई भी जाति नहीं थी चमार जाति, जिसे आज हम कहते हैं। वास्तव में यह चमार वंश के शासक हुआ करती थी। ऐसा चमार जाति का इतिहास कहीं पर भी उल्लेखित नहीं मिलता है कि वह चमार जाति हमारे पूर्वजों के माध्यम से इन्हें छुआछूत जैसी हीनता का से गुजरना पड़ा है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। यह सिकंदर लोधी के शासनकाल के समय 1489 से 1857 तक के शासनकाल में चमार वंश के शासक हुआ करती थी। सिकंदर लोधी ने इन चमर वंश के शासकों को अत्यधिक प्रताड़ित किया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। यह जो मैं जानकारी दे रहा हूं यह भारत के प्रसिद्ध या विश्वसनीय ऐतिहासिक लेखक कर्नल टॉड, जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखी है, इन्होंने इसमें चमर वंश के शासकों के बारे में उल्लेख किया है। साथ ही साथ डॉक्टर विजय सोनकर जी ने भी हिंदू चरममार जाति के बारे में बताया है। इन्होंने जानकारी दी है कि राजस्थान में राणा संग व उनकी जो पत्नी है झीला रानी के संबंध चमार वंश के शासकों के साथ थी, और उन्होंने राणा संगा जी ने संत कवि रैदास या रविदास जी को अपना राजगुरु बनाया था, अपना राजगुरु बनाया है, और उन्होंने उनके बहुत सारे जो अनुयायी थे बहुत अत्यधिक संख्या में थी। एक और प्रसिद्ध लेखिका अरवाई जीसन डॉक्टर हमीदा खादून कहती हैं, यदि इतिहास के पन्नों को पलटा कर देखा जाए तो सफाई या चमड़े का कार्य करने वाली ऐसी किसी भी प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि हिंदू जो थे यह चमड़े हिंदू में जो चमड़ा है उसको उसका प्रयोग ही नहीं करते थे, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में चमड़े पर बैठकर आसन नहीं किया जाता है। तो इस कारण से इस प्रकार की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1857 के मध्य चमार वंश के शासकों को अत्यधिक प्रताड़ित किया और उन्हें कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने तो एक बार संत कवि रैदास या रविदास जी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उनके सेनापति मुल्ला उनके जो विश्वसनीय मुल्ला सदना फकीर थे उन्हें भेजा और उनसे कहा, उनसे संत कवि रविदास जी या रैदास जी का शास्त्रार्थ कराया, और जब इन्होंने संत कवि रविदास जी से शास्त्रार्थ किया तो यह पराजित हो गई, और पराजित होने के बाद यह इनके शिष्य बन गए और इनका नाम रामदास पड़ा और इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उस समय जो संत कवि रैदास जी थे यह इनके अनुयायी बहुत अधिक संख्या में थी। वह चाहती थी सिकंदर लोधी चाहता था कि यह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले,
जिसके कारण इस्लाम धर्म यह स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत में भी अत्यधिक संख्या में इस्लाम धर्म के अनुयायी हो जाती। किंतु चंवर वंश के शासकों को यह मंजूर नहीं था। वह छुआछूत जैसी अपमानजनक स्थिति से गुजरते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यदि संत कबीर रैदास जी को दोहे को देखा जाए, तो उन्होंने एक दोहे में इस प्रकार के कई दोहे कहा है, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों छोड़ू इसे पढ़ लू झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। अर्थात इस दोहे को पढ़े तो उन्होंने कहा, प्रताड़ना को व्यक्त किया है, उन्हें किस प्रकार तक प्रताड़ित किया गया था कि हिंदू धर्म छोड़कर वह इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले, लेकर उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मेरे ऐसे संत कवियों को मेरा सत सत नमन है, जिन्हों की हिंदू धर्म पर अभी भी आस्था है। और साथ ही साथ जब इनका रविदास जी की विख्याति अत्यधिक बढ़ गई, तो सिकंदर लोदी ने इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली में कैद में डाल दिया। तब भारत के कई राजवंशों ने संत कबीर रैदास जी को छुड़ाने के लिए वहां पर जाकर संघर्ष किया, और बाद में इन्हें छोड़ना पड़ा। और वहां पर जब एक इन्हें कैदी बनाकर डाला गया, तो वहां पर इनसे चमड़ा का कार्य कराया जाता था और भिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती थी, फिर भी इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो इतिहास के पन्नों में ऐसी कोई जाति नहीं है जो अपन संबोधित कर दिखे। वास्तव में जो चंवर है, यह चंवर वंश के शासक हुआ करती थी। आज यदि आप विचार करें कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते, तो लगभग अभी वर्तमान में 30 करोड़ के समथिंग इस्लाम मुसलमान है। यदि रविदास जी या उस समय के चंवर वंश के शासक इसे स्वीकार कर लेते, तो लगभग इनकी जो संख्या अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति की 40 करोड़ के समथिंग है, तो आज भारत में 70 करोड़ की लगभग मुसलमान होती, इस्लामिक अनुयायी होती, और भारत भी एक हमारा जो हिंदू राष्ट्र है यह भी इस्लाम धर्म बन जाता। तो इसी कारणों से हमारे संत कबीर रैदास और इन इस वंश की प्रताड़ित जातियों को सत सत नमन है कि उन्होंने अपने धर्म पर आस्था रखी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम अगले पार्ट में देखेंगे चंवर वंश से संबंधित या चंवर वंश से संबंधित कुछ और नए रहस्यों के बारे में खुलासा करेंगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में दी जा रही जानकारी इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार की गई है। इसकी प्रामाणिकता या वास्तविकता का मैं नरेंद्र विश्वकर्मा किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं करता हूँ। यदि मेरी वाणी में से किसी को आहत हुई हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार मित्रों।